हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर मल्टीपल इंटीग्रल का एप्लीकेशन देखेंगे। डबल इंटीग्रल का एरिया फाइंड आउट करने में कैसे करते हैं। तो एरिया फाइंड आउट करने में एक क्वेश्चन है लेता हूँ। तो फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स, फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स एक मिनट रुके हैं। फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स, फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स एक जस्ट अ सेकेंड। और ये आपका ड्रॉ होगा जी। तो क्वेश्चन इज, फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स। और इलिप्स की इक्वेशन आप जानते हो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और लिखा भी है बाय डबल इंटीग्रल। तो ध्यान रखें आप, इलिप्स को अगर आप सभी जानते हो, इलिप्स ये होता है एक्स वाई एक्सिस में थोड़ा सा, अगर उसको हम जो आपका सर्किल होता है उसको थोड़ा सा हम खिंचा दें, इलिप्स बन जाता है। अब इसको देखें, सिमेट्रिकल चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल, तो पहले क्वाड्रेंट में निकाल लें आप, उसका 4 टाइम कर देना, ठीक है जी। तो कैसे करोगे सॉल्व, बड़ा सिंपल है सॉल्यूशन। और ये है जी आपका सॉल्यूशन में एरिया रिक्वायर्ड एरिया होता है आप फार्मूला dx dy मीन्स हम कहीं भी एक स्ट्रिप ले लो आप, पैरेलल टू वाई एक्सिस ले लीजिए। पैरेलल टू वाई एक्सिस में आप जानते हो वाई की लिमिट वेरिएबल लेंगे एक्स टर्म में। तो ये स्ट्रिप आप देखें यहाँ से पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये हो गया पूरा एरिया, और ये इक्वल टू हो जाएगा 4 टाइम और इंटू एरिया इंटू फर्स्ट क्वाड्रेंट, 4 टाइम एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये हो गया जी आपका 4 टाइम। अब जो लिमिट लेंगे अब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले लेंगे, यानी का मतलब ये 4 टाइम कर लिया तो। और अगर ये फार्मूला अप्लाई करोगे तो ये चारों क्वाड्रेंट में मुझे स्ट्रिप लेनी पड़ती है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से चल के यहाँ तक चलाता मैं। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ से ये एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो जीरो हो गया, और ये एक्स इज इक्वल टू जीरो से ये आप समझ सकते हो कितना है, ये है ए जीरो, तो जीरो टू ए। और फिर लोअर लिमिट के लिए इस स्ट्रिप का लोअर एंड आप देखें यहाँ कहाँ रखा है, वाई इक्वल टू जीरो पर, और अपर एंड कहाँ रखा है जी, इसकी इक्वेशन आप जानते ही हो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां से y की वैल्यू इन टर्म ऑफ a अब निकालोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 b स्क्वायर मल्टीप्लाई में होगा और इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो y इक्वल टू ये y स्क्वायर की वैल्यू होगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी b अपॉन a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जी। तो ये लिमिट आ गई थी आपकी, और प्लस माइनस माइनस होता तब लेते जब ये एक्स एक्सिस से डाउनवर्ड भी लेते, मीन्स ये फार्मूला यूज करते। अब प्लस लेंगे क्योंकि ये एक्स एक्सिस से अबाव है तो प्लस, तो ये हो गया पी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई की लिमिट वेरिएबल होने से हमारा बनता है कि ये इंटीग्रल सबसे पहले इस रेस्पेक्ट होगा इंटीग्रेटिंग
विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, वाई फर्स्ट, वाई के ही रेस्पेक्ट पहले होगा। तो ये इंटीग्रल बन जाएगा 4 टाइम 0 टू a, और डी वाई का वाई बन जाएगा, और लिमिट रख दूंगा आपकी, तो लिमिट रख दूं तो अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट 0, तो ये बन जाएगा आपका डायरेक्ट। और एक बार लिख देता हूँ, वाई को यहाँ लिख रहा हूँ, और लिमिट 0 टू b अपॉन a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये लिमिट फॉर 0 टू a, और y की लिमिट रख दें b अपॉन a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा ये आपका डी एक्स। बी अपॉन ए बाहर ले सकते हैं आप, बिकॉज बी अपॉन ए तो कॉन्स्टेंट है, और बी अपॉन ए 0 टू a ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल आप कैसे करेंगे ये जान लीजिए। तो ये आप ये आ गया जी क्वेश्चन आपका, देखें तो ये देख सकते हैं 4 बी अपॉन ए एंड 0 टू ए, 4 बी अपॉन ए आपका जो एरिया आया है, एरिया इक्वल्स टू 0 टू ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहां पर एक्स को मैं पुट कर दूं ए साइन थीटा, और लिमिट क्या होगी वो भी देख लो, और डी एक्स की वैल्यू भी थीटा में है, तो डी एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा हो जाएगा। तो ये इंटीग्रल बन जाएगा 4 पी अपॉन ए एज इट इज 0 टू पाई बाय लिमिट हो जाएगी, आप चेक कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ए बाहर आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, और ये फिर डी एक्स की वैल्यू ए कोस थीटा डी थीटा। तो ये ए स्क्वायर से बाहर आकर के कर जाएगा, तो 4 ए बी 0 टू पाई बाय 2, और ये आ गया जी आपका कोस स्क्वायर थीटा। इस इंटीग्रल को आराम से आप कर सकते हैं, चाहे वालिस फार्मूला से कर लें, ये लिमिट ये आ जाएगी 4 ए बी, या जैसे भी करें आप 1 प्लस कोस 2 थीटा बाय 2 से करें आप, तो ये आंसर आएगा पाई बाय 4, क्योंकि ये याद भी रख सकते हो 0 टू पाई बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा चाहे साइन स्क्वायर थीटा हो, दोनों की वैल्यू पाई बाय 4 ही आएगी। तो ये आंसर आएगा पाई ए बी। अब आप इस आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो, अगर ए रेडियस का सर्किल होता तो उसका एरिया आप जानते हो पाई ए स्क्वायर होता, क्योंकि आपने सी सर्किल को तो फ्लैट करके एक साइड से एलिप्स बनाया है, तो उसमें दो रेडियस होगी, एक छोटी एक बड़ी, पाई ए बी। तो यहाँ बी को भी ए रख दूं तो पाई ए स्क्वायर हो गया, ये फार्मूला ये बन जाएगा, बी को भी बी इक्वल टू ए कर दूं तो पाई ए स्क्वायर, तो एलिप्स का एरिया पाई ए बी होता है, और सर्किल का पाई ए स्क्वायर एलिप्स कहें तो आप जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल होती है, उसमें बी को ए पुट कर दो तो उसमें आपका पाई ए स्क्वायर आंसर आ जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका आपका मल्टीपल इंटीग्रल से कैसे निकालते हैं उसका एरिया, ये बहुत अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। और भी क्वेश्चन आप कर सकते हो इससे, एक क्वेश्चन चलिए एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको, ये है फाइंड द डबल इंटीग्रल दैट एरिया लाइंग बिटवीन, यूजिंग डबल इंटीग्रल फाइंड एरिया लाइंग बिटवीन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई, ये दोनों आप समझ सकते हो 4 बी वाई होगा, ये 4 बी वाई, दोनों के दोनों पैराबोला हैं,
अगर आप देखें तो मैं ये आप बड़े इजीली पहचान सकते हो, इट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x5 है, और ये वाला आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, ये वाला 4by, ये हो गया जी। तो फॉर्मूला फिर ये हमें एरिया फाइंड आउट करना है जी, ये वाला। तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा आपका, क्योंकि ये पहले ही क्वाड्रेंट में है, तो ये dx dy। एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको दो स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, सॉरी दो नहीं, एक स्ट्रिप लेनी पड़ेगी पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये वाली स्ट्रिप ले रहा हूँ, देख सकते हैं आप। तो ये यहाँ से शुरू होकर के वाई एक्सिस से और यहाँ तक जाएगी जी, ये यहाँ तक। ये पॉइंट कैसे निकलेगा, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों इक्वेशन को मैं एक्स के लिए सॉल्व कर लूँगा। तो जैसे ही आप वाई की वैल्यू यहाँ रखोगे, तो वाई की वैल्यू इससे रख लो एक्स स्क्वायर अपॉन 4b का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू 4x, सारी इक्वेशन मैंने एक्स रखा वाई का आपके लिए, क्योंकि एक्स की वैल्यू मुझे निकालनी है। इसको उधर ले आओ, इसको उधर ले आओ, ये बन जाएगा एक्स की पावर 4 इक्वल टू 16, 4 64, 64 बी स्क्वायर हो जाएगा ए एक्स। लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, एक्स कॉमन ले लो, तो बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 64, इट इज 64, 64 बी स्क्वायर या ए बी स्क्वायर बन जाएगा ये इक्वल टू 0। एक तो एक्स 0 आ गया जो आप देख रहे हो, 0 लोअर लिमिट, और दूसरा एक्स आपका आ जाएगा 4 ए की पावर 1/3 और बी की पावर 2/3, ये लिमिट आ गई। तो ये 4a टू दी पावर 1/3 और b टू दी पावर 2/3 dx dy, और y की जो लिमिट होगी लोअर लिमिट किस पर रखा है जी, लोअर लिमिट यहाँ रखा है ये इस पर, इससे y की वैल्यू होगी x स्क्वायर अपॉन 4b, और ये ऊपर वाले पर रखा है इस पर, तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 2√x, ये हो गई जी। तो आप देख सकते हो y के रेस्पेक्ट में होगी, y की लिमिट x की टर्म में आ गई। तो इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू वाई फर्स्ट, तो ये हो गया जी आपका 0 to 4 a की पावर 1/3 बी की पावर 2/3, ये हो गया वाई के रेस्पेक्ट में, तो वाई ये हो गया जी आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 4b और 2√x, और ये हो गया जी आपका डी एक्स वाई के रेस्पेक्ट डी एक्स बचा, तो ये हो गया जी आपका 0 to 4a to the power 1/3 बी टू दी पावर 2/3, ये हो गया आपका अपर लिमिट 2√ax अपर लिमिट और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4b, ये है dx, ये हो गया जी आपका। तो अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करके बस ये लिमिट पुट करनी रहेगी, तो इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा x की पावर हाफ, तो 2√a तो कॉन्स्टेंट है, a की पावर हाफ लिख देता हूँ, x की पावर हाफ पर इंटीग्रल x की पावर हाफ प्लस 1 x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो 2 से कैंसिल नहीं हुआ, 4 टाइम बन जाएगा ये, चार कभी कैंसिल करने लगे, माइनस एक्स क्यूब बाय 3 एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3 तो 12b, और लिमिट वही 0 to 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3। अब लिमिट पुट करने का नंबर आ गया जी, लिमिट पुट करेंगे तो एक बार एक्स को रिप्लेस करेंगे इससे और एक बार इससे, तो ये आपका
सॉल्व होकर के मैं पहले ये लिख देता हूँ उसको, 4a की पावर, अगर वन ये 3/2 है तो 3 से 3 कैंसिल, तो a तो कितना हो जाएगा, a की पावर ये यहाँ रखेंगे x की वैल्यू, a की पावर 1/3 की पावर 3/3 से 3 कैंसिल, और ये 1/2 बचेगा, 1/2 ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा ये आपका 4/3 पहली टर्म में, 4/3 ये कितनी पावर बचेंगी, हाफ और हाफ a, और b को देखो b की पावर 2/3 है तो b बच जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा, 3/2 2/3 आपस में 1 बन जाएगा, माइनस ये है 1/12 b, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स क्यूब, मीन्स एक्स के साथ क्यूब करना है जी, तो 4 का क्यूब आप देख सकते हो, और सॉरी एक्स की पावर 2 की पावर 3/2 भी आएगा, 2 की पावर 2 टू की 8, और 8 भी आएगा जी आपको, यहाँ ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 8 भी आएगा, 8 इंटू में वही 32 हो जाएगा इंटू में, तो 1/12 b 464 एक्स क्यूब और a आएगा और b का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां भी देखो भाई b का स्क्वायर तो नहीं होता, b का स्क्वायर तो नहीं होता, यहां तो x की पावर 3/2 और b की पावर 2/3, तो बी की पावर 2/3/2 करेंगे तो कैंसिल आ गया, 4ab बचेगा, और यहां पर क्या बचेगा जी एक्स क्यूब, अच्छा एक बी अपॉन में भी था, सॉरी एक बी अपॉन में भी है, था हो गया जी, तो यहां पर देखें आप, मैं एक पेज आगे लेना पड़ेगा, यहां ही समझा सकता हूं तो मैं, क्योंकि यही समझा सकता हूं, ये है जी आपका 32/3 ए बी माइनस ये 64/12, 4 से डिवाइड कर लें, ये हो गया 16, 16/3, और ये आपका बी स्क्वायर था, यहाँ पर बी स्क्वायर है, तो एक बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी, तो 32/3 ए बी माइनस 16/3 ए बी आंसर आ गया जी आपका, ये आंसर आ जाएगा आपका 16/3 ए बी, तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा आपका, ये मैं यहाँ लिखता हूँ 32/3 ए बी और माइनस 16/3 ए बी, तो ये आपका 16/3 ए बी, ये कौन है यार, 16/3 ए बी ये आंसर हुआ आपका, यही प्रूव करना था। तो आज दो क्वेश्चन में देखा हमने मल्टीपल इंटीग्रल से एरिया कैसे निकालते हैं, कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, अब हम पोलर क्वेश्चन से एरिया कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।